शुक्रवार को दी ट्रैक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पलवा ने एडीसी के फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रैक चालकों को रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। आरोपों में कहा है कि एडीसी कम आईटीए सेक्रेटरी अंजी चौधरी के कार्यालय का कर्मचारी नवीन कुमार अपने एक खास आदमी के जरिए चालान काटने के नाम पर अवैध वसूली करता है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि 17 अप्रैल को मंडकौला के पास दो गाड़ियों में ओवरलोड पकड़ा गया। इनका चालान काटने के बजाय डॉक्यूमेंट लेकर चले आए। डॉक्यूमेंट लेकर आए एडीसी कम आरटीए सेक्रेटरी ऑफिस के एक कर्मचारी ने उन्हें 18 अप्रैल को बुलाया और दोनों से 20,000 रुपये मांगे। रुपए नहीं देने पर एवज में एक ट्रक का चालान एडीसी कम रुपए नहीं देने के एवज में एक ट्रक का चालान एडीसी कम आरटीएम सेक्रेटरी अंजू चौधरी के फर्जी हस्ताक्षर कर 41,000 रुपए का चालान काट दिया गया। दूसरे ट्रक मालिक आजाद से 14,500 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। इसी प्रकार की अनेक शिकायतें उन्होंने गिनवाते हुए कहा कि ओवरलोड के नाम पर अंडर लोड ट्रक मालिकों का चालान काटने बंद नहीं किए तो वो धरना प्रदर्शन किए करेंगे। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर शंकर लाल, शिव कुमार, मुकेश कुमार, हंसराज अरोड़ा आदि भी मौजूद रहे। हमारा असली मुद्दा है कि हरियाणा सरकार ने जो ट्रांसपोर्टर समाज की जनहित में योजनाएं चलाई, ओवरलोडिंग जैसे रोकना हुआ या डिजिटल करा है काम जल्दी हो, पलवल आरटीए कार्यालय में जब से चार्ज उपायुक्त कार्यालय के पास गया है सारा काम उलट पुलट हो गया। लोगों का हित ना देख के, सिर्फ अपना हित देख के सबसे पहले तो यहाँ से कार्यालय शिफ्ट कर दिया अनऑथराइज रूप से, जितने हमें जानकारी है। लोग वहाँ ना बैठने की जगह ना कुछ, सेक्रेट पेशाब घर टॉयलेट के बाहर पड़े रहते हैं बदबू वायरस के कारण। दूसरा, आरटीओ ऑफिस की जिम्मेवारी एडीसी को मिली है, एडीसी उनकी इंचार्ज है, लेकिन आरटीए एडीसी कार्यालय का कोई भी कर्मचारी ऑथराइज नहीं है आरटीए के काम में दखल अंदाजी करने, क्योंकि आरटीए का अपना स्टाफ है, अपना काम है, अपना तरीका है। सरकार के नियम है बिना एचसीएस अफसर के कोई रोड पर मोबाइल टीम चेकिंग नहीं करेगी। एक नवीन कुमार का एम्प्लॉई है जिसके खिलाफ पहले भी बहुत विवाद रहे हैं सुनने में आया, अब भी ये शिकायत हमारी उसी के खिलाफ है। गाड़ी छोड़ने के पैसे लिए, हमने तुरंत ही शिकायत करी कि उस दिन छुट्टी थी तो किसी विजिलेंस या कहीं हम शिकायत नहीं कर पाए। तुरंत हमने एडीसी को मतलब आरटी चार्ज होने के इंचार्ज होने के ऊपर शिकायत करी।